नमस्कार दोस्तों, मित्रों, मैं मुकेश दीवान, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी की। और आइए, अब धातु रूप पे हम चल रहे हैं। धातु रूप से कल हमने शुरू कर दिया था, अब हम शुरू करते हैं धातु रूप में गम धातु। गम का गच बनता है, अर्थ होता है जाना, और लकार है लट लकार। तो पुरुष की बात करूं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां पर हमने बनाया गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः और गच्छामः। आज आपको प्रश्नों के जवाब भी देने होंगे, बिल्कुल जवाब देने होंगे। प्रश्न है मेरा, यहां प्रश्न शुरू होता है नंबर 1, गच्छावः इत्यत्र मूल धातुर अस्ति। मूल धातु कौन सी है? नंबर 1 गच्छ, नंबर 2 गम, तीसरी है आपकी गच्छति, और चौथा आपका ऑप्शंस में है गम। ये लीजिएगा। अब आपको ये बताना है, जितने भी साथीगण हैं, यदि आ रहे हैं इस पे, चैनल पे हैं, जो भी हैं, आए, सब्सक्राइब करें। तो मेरे इस प्रश्न जवाब कमेंट्स बॉक्स में डालना ना भूलें, क्योंकि आपका तभी पता चलेगा कि आप कितने कवर कर पा रहे हैं। याद रखिएगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। मैंने एक प्रश्न पूछा है, गच्छावः में कौन सा मूल धातु क्या है? तो मूल धातु को बताने के लिए आपका ही काम है कि इन 4 में से कौन सा है। और याद रखना होगा, आपको यदि बात करनी है और समझनी है तो बी आंसर होगा। ये ध्यान रखना होगा आपको, ये आपका काम है आंसर देना, ना कि मेरा। तो याद रखिएगा, जब तक आप आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक, तो आंसर आपको जिस समय भी देखे आंसर देना है कि ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा। और अब हम अगला लेके चलते हैं। गच्छ का के बाद में हमारे पास अगला लकार, इसी लकार को लेकर के आगे की ओर बढ़े तो मेरे पास अगला है गम धातु है, और क्या बन जाता है? गच्छ बनता है। लेकिन भविष्यत्काल लिट लकार में क्या करना है, जो कि भविष्यत्काल होता है? बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा, यहां पर पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पर चलना है। प्रथम पुरुष की बात करूं फिर मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, तो अब आपको यहां कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। प्रश्न यहां पर मेरा बन रहा है प्रश्न नंबर 2, गम धातु लिट लकारे मध्यम पुरुषे एकवचनम रूपम साहब, एक वचन में रूप क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके हाथ में, आंसर देना आपका काम। पहला है गच्छिष्यसि, गमिष्यति, गमिष्यसि या गच्छतु। आपके पास में प्रश्न है गम धातु के ऋट लकार भविष्यत काल जो है कि मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या रूप बनता है। अब यह रूप जो बनना है तो इसे शब्द रूप को याद रखिएगा। गमिष्यति, गमिष्यतः है, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः है, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। यानी कि क्या नहीं बनेगा? गमिष्यसि नहीं बनेगा, गमिष्यति। ये गमिष्यति प्रथम पुरुष में बनता है, मध्यम पुरुष की बात कर रहा है, तो अब आंसर आपको ध्यान रखना होगा कि गमिष्यसि यहाँ बनता है। यदि आप चीज ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका क्लियर रहेगा और आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? सी। इसी को चलते हुए आगे की ओर में बढ़ाऊं तो मेरे पास है गम धातु का ही, जिसका अर्थ है जाना, लकार है मेरे पास लोट लकार अर्थात आज्ञा अर्थ में, और अब मैं चलता हूं पुरुष पे। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हमारे पास यहां पर एक क्या है? गच्छतु, इसका विकल्प से बनता है गच्छतात और गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत। गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम, गच्छाम। अब यदि हम इस पर प्रश्न बना रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या बना रहे हैं, प्रश्न नंबर 3 पे हम चले तो प्रश्न नंबर 3 ये है कि गच्छतात् गच्छतात् इत्यत्र लकार है के लकार कौन सा होगा। लट लकार, लोट लकार, या फिर रिट लकार, या फिर विधिलिंग। चार ऑप्शन है आपके हाथ में, आंसर देना आपका काम। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। गुड मॉर्निंग, जिन्होंने गुड मॉर्निंग भेजी है मेरा उनसे यह भी कहना है कि वो आंसर देने की कोशिश भी करें, क्योंकि पढ़ भी वही रहे हैं। चौथा मेरा प्रश्न है इस पर कि गच्छ इत्यत्र पुरुषः के पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, या फिर सर्वे। चार ऑप्शन है आपके हाथ में, आंसर देने का प्रयास आप ही को करना है। आंसर आप दीजिए, मैं आपके साथ हूं, आंसर देना तो आप पर ही डिपेंड करेगा। शेयर करें और आंसर देने की चेष्टा भी करें। इस पर यदि मैं तीसरे प्रश्न पे बात करूं तो मेरे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, गच्छतात् में लकार कौन सा है ये ध्यान रखना होगा, बी आंसर होगा। वहीं पर मैं बात करूं गच्छ में पुरुष कौन सा है तो यहां पर ध्यान रखना है होगा कि मध्यम पुरुष होगा। कौन सा? मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष होगा तभी कार्य आपका चलेगा। तो मित्रों ऐसी स्थिति में हमने गम धातु का लोट लकार में भी हम पहुंच गए हैं। कोई बात नहीं, आगे हम पहुंच रहे हैं। लोट लकार के बाद में हमारे हाथ में है जाना, जो धातु है उसका हम क्या बनाते हैं, गच्छ बनाते ही हैं। अब हमारा यहां पर लंग लकार जो कि भूतकाल है, इस पे चलें और देखेंगे तो पुरुष है हमारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को लेके चलें तो हमारे पास प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीन पुरुषों की बात है। पहला ही हमारे पास है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छ, अगच्छतम्, अगच्छत्। अगच्छाव, अगच्छम्, अगच्छाव, अगच्छाम। अब यहां पर हमें लेके चलना है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है अगच्छन् इत्यत्र लकार है क्या? लकार कौन सा है? फिर कहा लट लकार, लोट, लंग या फिर रिट लकार। और मित्रों अगला मेरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अगच्छत् इत्यत्र पुरुषः के, पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या सर्वे। तो यहां पर मैं लगातार देख रहा हूं कि गच्छन् गच्छत है, अगच्छत है, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छ, अगच्छतम्, अगच्छत्, अगच्छम्, अगच्छाव, अगच्छाम। प्रश्न मेरा ये है कि गच्छन् में कौन सा लकार होगा, कौन सा लकार यहाँ है? तो मित्रों यहाँ ध्यान रखो और आंसर देने की भी चेष्टा करते रहो। अगच्छत्, अगच्छन् में लकार कौन सा था? अगच्छत् में पुरुष कौन सा है? तो पुरुष यहां ध्यान रखिएगा, यहां मध्यम पुरुष में लिखा हुआ है, तो आंसर यहां बी होगा। और लगातार यदि आप इसी तरह से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ये शब्द रूप, धातु रूप भी याद होंगे। अगच्छत्, अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छ, अगच्छतम्, अगच्छत्, अगच्छम्, अगच्छाव, अगच्छाम। गम धातु यानी जिसका अर्थ है जाना, को जब मैं विधिलीन लकार में लेके जाऊं, जिसका अर्थ होता है चाहिए, चाहिए अर्थ में चलता है पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कि मैं बात करूं यहां, तो फिर मेरे पास यहां ध्यान रखना होगा, यहां पर गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेयम होगा कि गच्छेम होगा, ध्यान रखो गच्छेयम गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। अब प्रश्न तैयार है। प्रश्न 7वां है कि गच्छेत इत्यत्र लकार है क्या? यहां कौन सा लकार है? क्या यहां लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है या फिर विधि लिंग लकार है? और अगला मेरे पास है 8वें नंबर का कि गच्छेयम इत्यत्र पुरुष है क्या? पुरुष कौन सा है? पुरुष में मैं जब जाऊं तो प्रथम पुरुष है या मध्यम पुरुष है उत्तम पुरुष है या को अपिनय, कोई भी नहीं, कौन सा है यहां? गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेवम गच्छेव गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। अब प्रश्न ये है कि गच्छेत में लकार कौन सा है? तो गच्छेत कहां बनता है? और प्रश्न का आंसर भी ध्यान रखें, गच्छेत विधि लिंग में बन रहा है, ये ध्यान रखना होगा। फिर प्रश्न है गच्छेयम इत्यत्र पुरुष है क्या? यहां पुरुष कौन सा होगा गच्छेयम में? तो यहां ध्यान रखना होगा कि यहां उत्तम पुरुष है। कौन सा है? उत्तम पुरुष है। तो यहां ध्यान रखिएगा, हमने लकार बिल्कुल क्लियर कर दिया है गच्छ धातु का। अब हमारे पास आता है लिख धातु। लिख धातु में क्या करना है? लिखना। और हमारे पास में है लट लकार, अर्थात वर्तमान काल। वर्तमान काल में जब मैं पुरुष पे गया तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लट लकार में लिखती, लिखता, लिखन्ति, लिखती, लिखते हैं, लिखन्ति। हाँ जी, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह, और अब मैं शुरू कर रहा हूं यहां प्रश्न की। 7, 8 हो गए, 9वां प्रश्न है मेरा, 9वां ही है, जरा सा एक बार पीछे बैक करके देख लो। 8 हो चुके हैं, 9वें प्रश्न पे है, प्रश्न है 9वां कि लिखामि इत्यत्र लकार है क्या, लकार कौन सा है। और पहला ऑप्शन है मेरे पास लोटी लकार, लटी लकार, लंगी लकार और विधि लिंग लकार। चार ऑप्शन है आपके हाथ में, आंसर दीजिएगा। और यहां पर अगला है मेरे पास कि लिखंती, लिखंती इत्यत्र पुरुष है क्या, पुरुष कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपके पास प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष, और अगला है मेरे पास सर्वे। 4 ऑप्शनों का ये कहानी हर व्यक्ति को समझ में आती है। आपका यही जो लगातार जो देखना है, इसी चीज को मैं बता दूं कि आपको ये लकार जल्द ही याद होने वाले हैं। एग्जामिनर ने कहा लिखामी में लकार कौन सा है, लिखामी, लिखामी कहाँ बनता है, लट लकार के उत्तम पुरुष में लिखामी बनता है। तो यहां पर बी आंसर हो गया है आपका। फिर वहीं लिखंती में पूछा पुरुष कौन सा है, तो लिखती लिखतः लिखंती, तो पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह से आप आंसर का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न 10 हो चुके हैं, लट लकार का समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं, लिख धातु है, लिखना, और भविष्यत काल में चलेंगे। भविष्यत काल, भविष्यत काल में गया, पुरुष वही 3 हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। भविष्यत काल में जब मैं इसका प्रयोग करूंगा तो कैसे होगा, आइएगा। लेखिष्यति, लेखिष्यता, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यतः, लेखिष्यत्। लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। तो प्रश्न है लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि लेखिष्यतः लेखिष्यत् लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति। प्रश्न है लेखिष्यतः इत्यत्र लकार है क्या? लकार कौन सा है? और ये है आपके चार ऑप्शन लट रिट लेट और लोट। अगला प्रश्न इसी पे ही डिपेंड करता है। लेखिष्यामः इत्यत्र मूल धातु के मूल धातु कौन सी है? लेख है, लिख है या फिर लिख है या फिर लिखती है। लिखती है। अब आप पर यह डिपेंड करता है कि आप इनका आंसर किस प्रकार से दे सकते हैं। लिख धातु का है, हम सीधी सी बात कर देते हैं। लिख धातु में लिट लकार यानी भविष्यत काल में है। लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति लेखिष्यसि लेखिष्यतः लेखिष्यत् लेखिष्यत्। यहां हमें ध्यान रखना होगा लेखिष्यत्। लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति लेखिष्यसि लेखिष्यतः लेखिष्यत् लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। तो यहां हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि लेखिष्यतः कहां बन रहा है और कौन से लकार में है। तो लकार कौन सा है और आंसर यहां कौन सा आएगा? यहां आंसर आएगा बी। वहीं पर लेखिष्यामः में मूल धातु क्या है? तो मित्रों मूल धातु है, ध्यान रखोगे नहीं तो आंसर गलत ही जाएगा। तो आपके सामने ये धातु रूप हैं, आपको इनका आंसर देना होगा। तो निश्चित रूप से आप लगे रहें लगातार। मेरा काम जो है मैं काम कर रहा हूं, आप अपना काम करें आंसर देने का। फिर है लिख धातु का जाना जो अर्थ है उस पे चले। और यहां पर मैं लोट लकार का लेके आ रहा हूं। लोट लकार अर्थात आज्ञा देना। पुरुष की बात करूं मैं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन हमारे यहां पुरुष हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहां पर लोट लकार में लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखा। यहां पर हमें प्रश्न नंबर 13, 13वां प्रश्न ये है कि लिख इत्यत्र लकार है के, लकार कौन सा है? ऑप्शन भी दे दिया जाए तो ऑप्शन भी रखो। लकार यहां पर लट लकार है या फिर लोट लकार है या फिर लंग लकार है या फिर आपके पास रिट लकार है। चार लकारों में से एक लकार पे आपका ध्यान देना है। प्रश्न 14वां है जिसमें कहा लिखानी इत्यत्र पुरुष है के, पुरुष है के आंसर भी दीजिएगा। यहां पर पुरुष कौन सा है? क्या प्रथम पुरुष है या मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष है या को अपीन है? यहां पर चार ऑप्शनों की जब बात चल रही है तो लिख, जो लिख है यहां आपने क्लियर किया है। यहां पर लिख में लकार कौन सा है? तो लकार यहां ध्यान रखो लोट लकार है। आंसर क्या होगा इसे भी ध्यान रखो। यहां पर आंसर क्या है? बी। और यहां कहा लिखानी में जो है वो कौन सा यहां पुरुष है? तो लिखानी ये रहा और पुरुष ये रहा। कौन सा पुरुष है? सी अर्थात उत्तम पुरुष है। तो मित्रों इस तरह से आप किसका क्लियर कर सकते हैं? लिख धातु के लोट लकार का जिसका उच्चारण है लिखतु, लिख लिखताम, लिखंतु, लिख लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम, लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। तो मित्रों इस तरह से हम इनके उत्तर दे सकते हैं। 14 प्रश्न हो गए हैं हमारे और लिख धातु का लोट लकार हो गया है। अब मैं लेके चलूंगा लिख धातु से लिखना जिसका अर्थ है और लंग लकार अर्थात भूतकाल, भूतकाल पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब आया हमारा लंग लकार में तो ए लिखत, ए लिखताम, ए लिखन, ए लिख, ए लिखतम, ए लिखत, ए लिखम, ए लिखाव, ए लिखम। और अब 15वां प्रश्न है मेरा कि ए लिखत इत्यत्र पुरुष है के, पुरुष कौन सा है? और चार ऑप्शन भी आपके सामने होंगे। पहला है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। या सर्वे। 16वां प्रश्न है, एलिखम इत्यत्र लकार है के, लकार कौन सा है? लट, रिट, लंग या विधिलिंग। तो मित्रों हम यहां पर है जब चर्चा कर रहे हैं अलिखत, अलिखताम, अलिखन की, तो प्रश्न है अलिखत में कौन सा पुरुष है? तो यहां अलिखत में कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है, तो आंसर ए। और अलिखम में कौन सा, लकार कौन सा है? लकार पूछा है तो लकार ये रहा, का साहब लकार यहां आंसर सी। और मित्रों इस तरह से 16 प्रश्नों को कवर करते हुए हमने लिख धातु के लंग लकार तक क्लियर कर लिया है। मित्रों आप लोगों की भविष्य के लिए ही हम लोग यहाँ प्रयासरत हैं, अतः जब भी समय मिले आंसर देने की चेष्टा जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।